उर्दू में रेडियो ड्रामा निगार उर्दू में रेडियाई ड्रामे की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है इसके बावजूद बरसैिर हिंदपाक में रेडियो ड्रामों का इस क़दर जखीरा जमा हो गया है कि उसे किसी तरक्याफ़्ता से तरक्याफ़्ता ज़बान के सामने पेश किया जा सकता है सत्तर अस्सी साल क़बल हमारे पास चंद तराजिम के अलावा और कुछ नहीं था इस कलील अरसे में रेडियो ड्रामे ने इतनी तरक्की की कि हमारे रेडियाई ड्रामा निगारों का ज़िक्र करते हुए हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है इस मॉड्यूल का मकसद उन ड्रामा निगारों की खिदमत पर रोशनी डालना है जिन्होंने उर्दू रेडियाई ड्रामे की सिर्फ़ को वज़न वक़ार अता किया है ऐसे ड्रामा निगारों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इस मॉड्यूल में उन सब का जायज़ा लेना तो दूर की बात है महज नाम गिनवाना भी मुमकिन नहीं इसलिए यहाँ सिर्फ नुमाइंदा ड्रामा निगारों का ही ज़िक्र किया जा रहा है उर्दू में नशरियाती अदब की रवायत की सही तौर पर निशानदेही करना अगरचे मुमकिन नहीं मगर जहाँ तक तहरीरी रिकॉर्ड रहनुमाई करते हैं उनसे यह अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है कि इसका आगाज़ बीसवीं सदी के तीसरे दहे में हुआ उर्दू में पहली नशरियाती तीर का जिक्र करते हुए डॉक्टर महमद शकील अख्तर अपनी तहकीकी किताब उर्दू में नशरियाती अदब में लिखते हैं कि अब तक उर्दू रेडियाई तकरीरों के जो मजमू किताबी सूरत में मंजर आम पर आ चुके हैं उनके मुताबिक तेरह अक्टूबर उन्नीस सौ उनतीस को उर्दू में पहली बातचीत मुला वाहदी की नशर की गई थी जिसका मौजू था मुशविर गम मौलाना राशिदलखैरी ये तकीर क्या खूब आदमी था कि उनवान से शुरू किए गए सिलसिले तकारीर के तहत नशर की गई थी बहरहाल इससे कबल किसी रेडियाई तकरीर का रिकॉर्ड मौजूदा शक्ल में अभी तक सामने नहीं आ सका है गोया ये तारीख़ मतबूा रेडियाई तकरीरों के पहले मजमू को सामने रख कर तय की गई है हो सकता है कि पहली तकरीर इससे कहीं पहले नशर की गई हो और वो शाया न की जा सकी हो इसीलिए ये तारीख़ कतई करार नहीं दी जा सकती मुसन्फ़ को इसका ख़ुद भी एहसास है इसीलिए वो इससे कबल की किसी रेडियाई तकरीर का रिकॉर्ड ना मिल सकने की बात करता है ये नहीं कहता कि इससे कबल कोई तकरीर नशर ही नहीं हुई थी इससे पहले कि मुल्क गिर पैमाने पर पहचान रखने वाले कुछ उर्दू रेडियाई ड्रामा निगारों का ज़िक्र किया जाए ये जहन में रखना ज़रूरी है कि अदब की तरह रेडियो भी इजहार का एक ज़रिया है इजहार किसका ज़ात का अपना अपने वजूद का कुदरत ने इंसान को जितनी सलाहियतें अता की हैं उनका शुमार नहीं हो सकता वो सब की सब इज़हार चाहती हैं सारे फ़नून लतीफा, सारे हुनर साइंस और टेक्नोलॉजी सारे सारेम इसी इजहार को मुमकिन बनाने के लिए इंसान ने दरियाफ्त या इजाद किए हैं इजहार का दुरुस्त वसीला हाथ आ जाए तो आदमी वली हो जाता है वरना पागलों की तरह बड़बड़ाता रहता है हर वसीले इजहार के कुछ तकाज़े होते हैं उनका एहतराम करने से ही उस वसीले के दुरुस्त नतज सामने आते हैं तकाज़ों का एहतराम करना ही फ़नकारी है तकाजों से इहराफ या बगावत बेराह रवि का दूसरा नाम है लेकिन यहाँ ये यह जानना भी ज़रूरी है कि तकाज़ों की तहों में मख् नए जिहाद को जानना बगावत नहीं दरियाफ्त होता है उन तक पहुँचने से फ़न में तीर बहदफ की क़ुदरत पैदा हो जाती है रेडियो और अदब के मबैन रिश्तों को फ़रोग देने का काम जिन हजरात ने इब्तदा में अंजाम दिया उनमें फ़िल्म और जेड बुखारी की खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता रेडियो और अदब के इस रिश्ते के बारे में इजहार ख़याल करते हुए डॉक्टर अख्लाक असर लिखते हैं कि रेडियो ने हिंदुस्तान की तमाम जबानों में रेडियो अदब का अजाफ़ा किया है नए अकदार नए असालिब और नए मिजान कायम किए हैं तहीको तनकीद के तालब इल्म बीसवीं सदी में अदब के मुताले में रेडियो अदब को फरामोश नहीं कर सकते रेडियो के फ़रोग और उसकी तरक्की के साथ जहाँ उर्दू अदब की सारी असनाफ़ को मख्तलफ अदबी प्रोग्रामों के जरिए पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ वहाँ हर सेंटर या रेडियो स्टेशन से ड्रामे भी नशर किए जाने लगे जिन्हें आवाम में इस कदर मकबूलीत हासिल हुई कि वो रेडियो के पूरे अदबी निज़ाम पर छा गए इब्तदा में अगरचे उसकी तरफ़ ज़्यादा तोजो न दी गई और स्टेज ड्रामों को ही थोड़े बहुत रद्दबदल के बाद रेडियो से नशर किया जाता रहा लेकिन धीरे धीरे ये एहसास तकवीत पाता चला गया कि रेडियो के कुछ ऐसे तकाजे भी हैं जो नशर किए जाने वाले अदब से एक मखसूस रूप का मतालबा करते हैं ड्रामे के मैदान में इस एहसास को सबसे ज़्यादा तकवीत मिली जिसके नतीजे में अब रेडियो के लिए अलग से ड्रामे लिखे जाने लगे जिनमें दर्ज दर्ज खसूसात को मलहूज़ रखने की कोशिश की गई सबसे पहली बात जिसने उर्दू अदीबों को अपनी तरफ मतव्य किया वो रेडियाई अदब का समाती पहलू था अब तक जो ड्रामे लिखे जा रहे थे वो या तो स्टेज के लिए थे या फिर महज़ मुताले की प्यास बुझाने के लिए जिसको अदबी ड्रामा कहा जाता था अब न तो वो स्टेज था और न वक्त की वो फरावानी कि आप शैतान की आंत की तरह तूल तवील ड्रामे पढ़ सकें एक तरफ तो उसकी बुनियाद समाती फ़न पर रखी गई थी और दूसरी तरफ इजाज़ व अख्तसार पर ब़ौल अख्लाक असर फ़नून लतीफ़ा में रेडियो ड्रामा और मौसी ही दो ऐसी क़स्में थीं जिन्हें समाती फ़न के दायरे में रखा जा सकता था बाया फ़नून जैसे संग तराशी मसवरी रक्कासी और थिएटर ये सब नजरी फ़नून के दायरे में आते हैं चुनाचे ड्रामा जो अब तक बकर रेवती सरन शर्मा नज़र का तमाशा था रेडियो में आकर महज आवाज़ का करिश्मा बन गया रेडियो ड्रामे के इस पहलू में भी बड़ी कशिश थी कि अब किरदारों की जगह लफजी और सौती तस्वीरों से काम चलाना था कि लफजी और सौती तस्वीरों से काम चलाना था अब लफ्ज़ और सदा के जादू से तस्वीरों को दो आदशा बनाता था ये काम जितना मुश्किल और सबराज़मा था उतना ही दिलचस्प और नुरत आमेज़ भी एक सब्र आज़मा मरहला ये भी था कि अब किरदारों की हरक़ व सकन जो उनके अमल को ज़बान अता करके मफहूम की अदायगी में आसानियाँ पैदा करती थीं, उनका काम भी अल्फाज और असवात से ही लेना था जिसके लिए इंसानी नफ्स के गहरे मुशाहदे के साथ अलफाज के मानवी आबाद और असवा के तासुराती पहलू से गहरी वाकफियत की ज़रूरत थी बदनी इशारों की कमी इस सूरत में दूर हो सकती थी रेडियो ड्रामा सुनने की न के देखने की चीज़ होने की वजह से तवालत का भी मुतहमल न हो सकता था इसलिए यहाँ इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी था कि वाक़ात ग़ैर ज़रूरी तूल न खींचें उनकी तवालत इक्यावन मिनट से डेढ़ घंटे तक हो इससे आगे ना बढ़े बीबीसी ने अगर चीज दो ढाई घंटे के रेडियो ड्रामे भी पेश किए मगर उन्हें मुस्तस्निया, उन्हें मुस्तनीत में शुमार करना चाहिए उन्हें मिसाल या कायदा नहीं बनाया जा सकता इसी पाबंदी की वजह से रेडियो ड्रामे के प्लाट का मख्तसर होना भी ज़रूरी है उसे सिर्फ़ हीरो हीरोइन और विलन की मरक़ी कहानी तक ही महदूद रखा जाना चाहिए ताकि ड्रामा का वाकयाती व तासुराती इरत ज़्यादा मौसर और नतीजा खेज हो किरदारों की तादाद पर भी पाबंदी लगाना ज़रूरी था रेडियो ड्रामा ये बर्दाश्त न कर सकता था कि उसमें तीन से ज़्यादा किरदारों को किसी एक मंज़र में बातचीत करते हुए दिखाया जा सके इस तरह किरदार निगारी भी महदूद नौीय की हामिल होती थी अमल को चूँकि दिखाया नहीं जा सकता था इसलिए उसे सौती आहंग के ज़रिए पेश किया जाता मकालमे भी मख्तसर मगर ऐसे होते कि अमल की पूरी तस्वीर उतार दें तस्वीर में मुकालमों की गुंजाइश तवील मुकालमों की गुंजाइश न थी मुकालमों का छोटा मौसर और बर्जस्त होना ज़रूरी था इसलिए यहाँ ज़्यादा महारत की जरूरत थी। और फ़नी तरफगी की ज़रूरत थी एजाज अख्तसार मकालमों की जान तस्वर किए जाते थे रेडियो ड्रामे में सलासा की पाबंदी अगर ज़रूरी नहीं थी इसके बावजूद वो रेडियो ड्रामे जो एक एक्ट के हुआ करते थे ज़्यादा कामयाब होते थे इसलिए उन रेडियाई ड्रामों में उनका ख़्याल ज़रूर रखा जाता था रेडियो ड्रामा चूंकि किरदारों की हरकत सकनात को दिखा नहीं सकता था इसलिए मकालमों या सौती असरात के ज़रिए सामीन को ये तसर देना ज़रूरी होता कि उसके किरदार किरदारमूत का शिकार नहीं हैं ये काम आम अदाकार के बस का नहीं होता था इसलिए माहिर सदाकारों की खिदमत हासिल की जाती जो गुफ्तगु के ज़रिए ऐसी असवात पैदा करते जो ये तासुर पैदा करती है कि किदार के किरदार मतहरिक है उर्दू ड्रामों की पेशकश जहाँ तक उर्दू ड्रामों की रेडियाई पेशकश का ताल्लुक़ है डॉक्टर मोहम्मद शकील अख्तर का ख़्याल है कि उर्दू रेडियो ड्रामे की पेशकश का सिलसिला नशरियात के आगाज़ के साथ ही शुरू हो गया था और इस फन को तकवीत पहुँचाने का काम इब्तदन हैदराबाद के ड्रामा निगारों ने अंजाम दिया निज़ाम हैदराबाद ने भी इसकी तरफ ख़ास तवज्जो दी बल्कि दक्कन रेडियो को कायम करके इसके इरत के लिए मजबूत बुनियाद फराहम कर दी जिसके नतीजे में वहाँ मिर्जा जफ़रुल हसन मिर्जा इसमतुल्ल बेग शुजा अहमद मोहम्मद अली मैकश रशीद कुरैशी, भारत चंद खन्ना अहमद मिर्ज़ा तौफीक नज़ीर मोहम्मद ख़ान गुलाम सदानी अजहर अफसर कदीर जमा ख़ान और मशर्रफ महदी जैसे फ़नकार उभरे रेडियो ड्रामे की कोई भी तारीख़ उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकती डॉक्टर अख्लाक असर फरमाते हैं कि रेडियो ड्रामे की नशरियात के बारे में जी सी अवस्थी का ख्याल है कि उन्नीस सौ सत्ताईस में कलकत्े के मशहूर थिएटर नाट्य मंदिर के ड्रामे कलकत्ता रेडियो स्टेशन से नशर हुए थे उन्होंने ये भी लिखा है कि रेडियो की नाटक मंडली ने अपना पहला ड्रामा जमा खर्च नशर किया उस जमाने में सैयद सैदल्फ़ार अली बुखारी रेडियो से वाबस्त थे और की महफ़िलें मनद कराते थे उस जमाने में सैयद सैदल्फ़ार अली बुखारी रेडियो से वस्स्ता थे और मौसीकी महफ़ले मनद कराते थे, थे। इशरत रहमानी के ख्याल में उर्दू ड्रामे का आगाज़ उन्नीस सौ में हुआ उनके ख्याल में बर में रेडियो का क़याम उसी ज़माने में अमल में आया मगर ये सही नहीं बर में रेडियो नशरियात का आगाज़ उन्नीस में हो चुका था इसलिए अगर उनका ये बयान तस्लिम कर लिया जाए कि नशरियात के, के आगाज़ से ही ड्रामों को पेश करने का सिलसिला शुरू हो चुका था तो फिर उन्नीस से ही उर्दू रेडियो ड्रामे की नशरियात का आगाज़ तस्लीम करना चाहिए ये इसलिए भी दुरुस्त मालूम होता है कि बर में नशरियात का आगाज़ बी बी सी की पैरवी बल्कि सरपरस्ती और अंग्रेज़ों की क़्यादत में हुआ जहाँ ड्रामे पहले से ही नशर किए जाते थे चुनाचे ये न मुमकिन है कि दूसरे प्रोग्रामों के साथ ही ड्रामे को भी पेश किया जाता रहा हो ये भी कयास किया जा सकता है कि बर में रेडियो चूँकि हुकूमत की कोशिशों से क़ायम हुआ था इसलिए उसके प्रोग्रामों में कोई ऐसी बात पेश न की जा सकती थी जो हुकूमत की मुखालफत या नुकची करती हो चुनाचे इस दौर में जद्दोजहद आज़ादी के ज़ोर पकड़ने के बावजूद उसे किसी ड्रामा निगार ने मौजू बनाने की जसारत नहीं की अगर ऐसा कोई ड्रामा लिखा भी गया होगा तो उसे नशर न किया जा सका होगा बहरहाल कयास यही कहता है कि उस जमाने में यहाँ भी जो ड्रामे पेश किए गए होंगे वो या तो पुरानी दास्तानों पर मबनी होंगे या फिर हल्के फुलके समाजी या असलाही मसाइल पर मबनी होंगे जिस तरह बीबीसी ने शेक्सपियर या दूसरे क्लासिकी ड्रामा निगारों के स्टेज ड्रामों को या फिर नावलों को ड्रामाई रूप देकर इब्तदन पेश किया और ये उस वक्त तक किया जाता रहा जब तक ख़ास रेडियो ड्रामे तख्लीक करने का सिलसिला शुरू न हुआ तरक्की पसंद तहरीक का किरदार 1935 में तरक्की पसंद तहरीक के आगाज़ ने उर्दू रेडियो को ख़ास तकवियत पहुँचाई इसी तहरीक से वाबस्त अदीबों ने हमें रेडियो ड्रामों के वो मजमू दिए जिन्हें उर्दू रेडियो ड्रामे की तारीख में बुनियादी अहमियत हासिल है उर्दू में रेडियो ड्रामे को जिन अदीबों ने फ़िक्री व फ़नी अतबार से मज़बूत बुनियाद फराम की और जिनके उर्दू ड्रामे वक्ता फवका नशर होते रहे उनकी तफसलास उनकी तफसील हसब हैं मिर्ज़ा अजीम बेग चुत उनका ड्रामा जंगी मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों से नशर किया गया राहेंद्र सिंह बेदी आल इंडिया रेडियो की मुलाजमत के दौरान में जो ड्रामे उन्होंने वक्तन फवका पेश किए वो साथ खेल के अनवान से शाया हो चुके हैं मशमूल ड्रामों के नाम हसब हैं ख्वाजा सरा चाणक्या तेलछट, छट मकानी आज और रख्शंदा वगैरह मिर्ज़ा अदीब उनके दर्ज ड्रामे रेडियो से नशर किए गए आनंद कुमार माँ शहनाई दीवार बेटा बहन पहाड़ के दामन में फिरौन की महबूबा निजात वगैरह सैयद अंसार अली नासरी उनके दर्ज ड्रामे नशर हुए तबीब आराम इलाज शादी की ऊँच नीच बीमा एजेंट बख्तियार वगैरह अहमद नदीम कासमी उनके हसब ड्रामे नषर हुए दारा शिकोफ़ साहिल अमन मसनवी गुलजार नसीम इसमत चौखाई आपके सिर्फ दर्ज दो ड्रामों के नशर किए जाने का पता चलता है एक बात नीली रगें रफ़ी पीरज़ादा ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत के दौरान में दिल्ली और लाहौर स्टेशनों से हसब जैल ड्रामे लिख कर पेश कराए पहले उकबा का मैदान नामो से दीवाना बकार खेश, वले ब़ैर गुजाशत सन्नाटा तस्दम अवतार नयाज मारे आस्तीन सारबान अलकाब वगैरह प्रोफेसर इश्तियाक हुसैन कुरैशी, उनके जेल ड्रामे रेडियो से नशर हुए मगल्म असद गुनाह की दीवार हमजाद नक्श आखिर नीम शब बंद लिफाफा मिठाई की टोकरी कृष्ण चंद्र चंदर ने नौ साल तक ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत की और उसी दौरान में हसबजैल ड्रामे नशर कराए सराय के बाहर क़ाहरा की एक शाम दरवाज़े खोल दो एक रुपया एक फूल कुत्ते की मौत मियाँ रहमान, आपके दर्ज झेल ड्रामे रेडियो से नशर किए गए शादी का पैगाम क़ैदी गुलदान दोजख़ पस मंजर चंद्रगुप्त। शौकत थानवी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त थे शौकत थानवी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त थे बहुत से ड्रामे लिखकर मुख्तलिफ स्टेशनों से पेश कराए रेडियो लखनऊ के मुंशी जी और रेडियो पाकिस्तान के काजी जी जैसे जिंदा जावेद किरदार निभाते रहे रेडियो ड्रामों के दर्जेल मजमू शाया हुए मुंशी जी ग्यारह ड्रामे काजी जी जल्दाउल चौबीस ड्रामे जिल्दोम बीस जलसोम उन्नीस ड्रामे खीखी ग्यारह रेडियो ड्राम साल हसर मंटो साल हसन मंटो आप भी कुछ देर ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से ड्रामा निगार की हैसियत से वावस्तर रहे हसब जेल नसरी ड्रामे पेश किए करवट माचिस की डिबिया एतवार खुदकुशी, नीली रगें रणधीर पहलवान तीन मोटी औरतें आओ वसल खाके मोहब्बत की पैदाइश नेपोलियन की मौत क्लोपेतरा की मौत ये सभी ड्रामे ये सभी ड्रामे मंडू के ड्रामे और जनाजे के नाम से दो मजमू की सूरत में छप चुके हैं हफीज जावेद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त रहे दर्ज ड्रामे नशर कराए किरदार रेहाना क़ैदी जिंदगी जिंदा दिली का नाम है वगैरह यूसुफ ज़फ़र, यूसुफ ज़फ़र भी ऑल इंडिया रेडियो से वस्तर थे बहुत से ड्रामे लिख कर नशर कराए उनमें से कुछ के नाम हसब हैं मुसनफ़ की मौत संगतराश अंधा, शहसवार हमदर्दी वग़ैरह मुख्तार से देखी उनके हसफ़ैल ड्रामों ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की मगालता मीडिया जो इना ड्रामे से तर्जमा उन्होंने किया था कोहनूर असगर भट ताक़ुब नजमी के बग़ैर और एक बजे रात सागर निज़ामी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त थे मुलाज़मत के दौरान में हसब ड्रामे लिख कर नशर कराए अनारकली मंजूम ड्रामा था परवाज़ टीपू सुल्तान ताइस दो और दो चार रानी झाँसी शकुंतला वो भी मंजूम ड्रामा था सैद हवस फर्ज और मोहब्बत कोई है मैं जिनसे हुनर बेचता हूँ माझी नूर जहाँ चौधरी सुल्तान उनके रेडियाई ड्रामों का मजमु चौधरी सुल्तान के ड्रामे शाया हो चुका है इस मजमुे में शामिल ड्रामे मुख्तलिफ रेडियो स्टेशनों से नशर हो चुके हैं ये सभी ड्रामे रेडियो के तकाज़ों की रोशनी में तैयार किए गए हैं बकर आवारा बकर आवारा ने ऑल इंडिया रेडियो की तजारती नशरियाती सर्विस हवा महल के लिए मतद मख्तसर ड्रामे लिख कर नशर कराए रिफत सरोश, आप एक मुद्दत तक रेडियो से वाबस्त रहे मुलाजमत के दौरान में दिल्ली और मुंबई में अच्छे ड्रामे नशर कराए आपके ड्रामों का मजमू डगर पनघट की उन्नीस सौ इक्यानवे में शाया हुआ उसमें पाँच ड्रामे हैं एक और मजमू ख्वाब और ख़्वाब तावीर दो ड्रामों पर मुश्तम है ज़िंदगी एक सफ़र भी दो ड्रामों पर मुश्तमिल है अमीर खनफ़ी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त थे एक ड्रामा दिल का नगर शायद किया रिफत जमाली उर्दू सर्विस से उनके ड्रामे वक्ता फवक्तन नशर होते रहे एक ड्रामा चट्टाने ख़ासा मशहूर हुआ करतार सिंह दुग्गल करतार करतार सिंह दुग्गल भी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता थे बहुत से ड्रामे लिख कर उर्दू सर्विस से नशर कराए उनमें उनका ड्रामा मीठा पानी काफ़ी पसंद किया गया मीठा पानी फसादात के मौजू को पेश करता है हयातुल्ला अंसारी उन्होंने भी चंद रेडियाई ड्रामे लिखे हैं पाठ खासा मशहूर हयातुल्ला अंसारी हयातुल्ला अंसारी ने चंद रेडियाई ड्रामे लिखे उनमें से पाटा खासा मशहूर हुआ उसमें यूपी की जिंदगी को पेश किया गया है आबिद अली आबिद आप भी ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्त रहे रूपमती बाज़ बहादुर दिल्ली का कत्ल आम उमर ख़याम चंगेज़ ख़ान और यद बैज़ा उनके अहम रेडियाई ड्रामे हैं मोहम्मद हसन उर्दू के नामवर यूनिवर्सिटी के उस में शुमार होते हैं कई यूनिवर्सिटियों से वाबस्त रहे आखिर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हिंदुस्तानी ज़बानों के मरकज से सुबुदोश हुए कई इस्टेज और रेडियाई ड्रामे लिख कर ख़ुद भी पेश किए और दूसरों से भी पेश कराते रहे ड्रामों के मतद मज़मूए शाया हुए उनके ड्रामों के मतदद मजमू शाये हुए जिनमें शामिल कुछ रेडियाई ड्रामों के नाम हंसव झेल हैं पैसा और परछाई सुर्ख पर्दे, सोने की जंजीरें नज़ीर अकबर आबादी नक्श फरियादी अकबर आजम इंस्पेक्टर जनरल हाकिम की बेगम और ममार आज़म वग़ैरह शमीम हनफी, जामिया मिल् इस्लामिया के शुबा उर्दू से वाबस्ता रहे और वहीं सेबकदोश हुए तनकीद के साथ साथ ड्रामे भी तख्लीक़ किए जिनमें रेडियो और स्टेज दोनों तरह के ड्रामे शामिल हैं रेडियो के लिए लिखे गए ड्रामों के नाम हसब हैं मिट्टी का बुलावा उनका मशहूर ड्रामा है मुझे घर याद आता है ये भी मशहूर ड्रामा है उनका बना और बिगाड़ जिंदगी की तरफ उनके ड्रामों के कई मजमू शाया हो चुके हैं जिनकी बहुत बड़ी खसूसियत ये भी है कि उन्होंने अपने रेडियाई ड्रामों को उसी शक्ल में शाया किया जिसमें वो नशर हुए थे दूसरे लोगों की तरह रेडियाई ड्रामों को छपने के लिए स्टेज ड्रामों में नहीं ढाला फजल हुसैन उनके रेडियाई ड्रामों के मजमू का नाम रात ढलती रही है सभी ड्रामे ऑल इंडिया रेडियो से नशर किए जा चुके हैं जिनके नाम हसब हैं रात ढलती रही कोहरे में खोई हुई चांदनी नए सुबह सितारों से आगे चिराग जलते हैं वारिस खान उनके रेडियाई ड्रामों के दो मजमूे कब शाम ढलेगी और जाग सहराई छप दाद हासिल कर चुके हैं अहम ड्रामों के नाम हसब हैं अपना घर यही रास्ता एक जिंदगी ऐसी भी नए दिन जाग सहराई आखिरी ख्याल भूल जा ये उनके ड्रामे कमर जलाली इनके रेडियाई ड्रामों का मजमु मुट्ठी भर धूल शाया हो चुका है यहाँ इस अमर का जिक्र कर देना भी ज़रूरी है कि रेडियाई ड्रामे लिखने वाले अदीबों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उन सब का यहाँ जिक्र करना मुमकिन नहीं ऊपर उन लोगों में से कुछ का जिक्र किया गया है जो मुल्कगीर शहरत के मालिक हैं और जिनके ड्रामे मुल्क के अक्सर स्टेशनों से नशर किए गए हैं